प्रॉब्लम होगी, उसलिए पूज्य माँ समझाते हैं तो टोलो अपने आप को शांत होके एकांत में बैठ करके कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कितनी स्पीड में जा रहे हैं। आपको पता लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, हमारी स्पीड क्या है, चल रहे हैं हम, यहां से शुरू कीजिए। वेदर हम चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं तो सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपने आप सोचो। और सही मार्ग पर चल रहे हैं तो किस स्पीड में चल रहे हैं। अब इतने इतने मैसेज में सब कुछ आ गया, सोचो हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, बैठो और इंट्रोस्पेक्शन करो कि हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, अगर नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं तो सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। बिकॉज रनिंग फास्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन डजेंट मेक एनी सेंस। तो हर व्यक्ति को बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वेदर मैं चल रहा हूं, सही मार्ग पर चल रहा हूं, और अगर सही मार्ग पर चल रहा हूं तो कितनी स्पीड में चल रहा हूं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं स्पीड में चल रहा हूं लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, उल्टे रास्ते पर भाग रहा हूं। तो हर व्यक्ति को बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि फिर वही बात आती है, पूज्य माँ कहते हैं कि हम तेजी से लेकिन गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है सोना चाहिए चाहे रावण आ जाए, प्राथमिकता बदल गई। राम जी नहीं आए चलेगा, लेकिन सोना आ रहा है तो रावण भी चलेगा। ये क्या है, प्राथमिकताओं में बदलाव आ गया है। तो यही हमारी समस्या है, यही पूज्य माँ समझाना चाहते हैं कि वातावरण, विचार और विवेक। वातावरण, अगर सीरियल का वातावरण लेंगे हम लोग तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष उत्पन्न होगा, और सत्संग का वातावरण मिलेगा तो मन की शांति प्राप्त होगी। विचार, हम किस तरफ और कितनी तेजी से जा रहे हैं, ये हर व्यक्ति को विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरफ, वेदर हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और कितनी तेजी से जा रहे हैं, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, राइट डायरेक्शन, राइट स्पीड। अगर फास्ट जाएंगे उल्टा जाएंगे तो काम का नहीं, अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन बहुत स्लो जा रहे हैं तो भी काम का नहीं, किस तरफ और कितनी तेजी से जा रहे हैं। और विवेक, अपने आप को टटोलो, अभी पूज्य माँ ने कहा ना, अपने आप को टटोलो, हमारे लिए क्या सही है, अपने आप को टटोलो कि हमारे लिए क्या सही है, मेरे लिए सीरियल सही है कि मेरे लिए सत्संग सही है, मेरे लिए दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। मैं एक दिन की सीरियल नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा तो क्या मिस हो जाएगा, और एक दिन का सत्संग नहीं करूंगा, भजन नहीं करूंगा, माला नहीं करूंगा तो क्या मिस हो जाएगा। दोनों को एनालाइज करना जरूरी है। विचार,